अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी देख रहे हो ज़िमीदार एग्री सर्विसेज और मैं हसनैन रज़ा। अज की साड़ी वीडियो डेयरी दे मुतल्लक ही है जी। असी डॉक्टर साहब साढ़े नाल मौजूद ने, डॉक्टर हंसला साहब जी। असी उन्होंने पूछांगे कि जिहड़े जानवरों नूं असी मिनरल दा इस्तेमाल करते हैं उहदे फवायद की ने और उहदे नुकसानात की ने, सानूं यूज़ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। साढ़े नाल मौजूद ने डॉक्टर हंसला साहब जी, असी उन्होंने पूछांगे। डॉक्टर साहब की हाल चाल है जी? अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ, खैरियत नाल हो? हाँ जी, अलहमदुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, सानू सब तो पहले तो मिनरल के फवायद दसो। मिनरल के कोई फवायद भी हैं या जिम्मेदार डेयरी फार्मिंग डेयरी फार्मर ने वो आपका पैसा ही जाया कर रहे हैं? मिनरल के बहुत ज़्यादा फायदे ने, क्योंकि अगर आज तो 10-15 साल पिछे चले जाओ ना, जो किसान बैलों की मदद नाल हल चलांदा सी, वो हल चलाया जाता सी, जमीन 10-15 दिन पई रहिंदी सी, फिर हल चलाया जाता सी, जिंदी वजह तो जमीन दे साइडा चेंज होंदिया रहिंदिया सन और ये नेचुरली चीज़ा विच पैदा होंदिया रहिंदिया सन। हुण जदीद दौर आ गया, मशीनरी का इस्तेमाल है, एक फसल की कटाई हो रही है, जमीन नू गैप नहीं दिता जाता, दूसरी फसल की बिजाई हो रही, इस चीज़ की डेफिशंसी आ रही जमीन विच। पाकिस्तान की सब तो जमीन सब तो ज़्यादा जो डेफिशंसी फॉसफोरस की है, फॉसफोरस की अगर एक चारा बीजा उन फॉसफोरस ही नहीं है, जानवर उन्होंने खाएगा, जानवर अंदर भी जहरी बात फॉसफोरस नहीं जाएगी, फॉसफोरस नहीं होएगी तो जिंदी वजह तो डेफिशंसी होएगी जानवर के अंदर, तो वह रत में उतरना शुरू कर देता, जिन्होंने रैड वाटर कहा जाता है, फॉसफोरस की डेफिशंसी की वजह तो। इसलिए सारी तहकीक मद्देनज़र रखद्या ये एक सोर्स बनाया गया। पहले जानवर दो थोड़ा दुध देंदे सी, इसलिए कोई एडा महसूस नहीं हुंदा सी, हुण माशाल्लाह जानवर 30 लीटर 40 50 60 तक पहुँच गए ने, जिन्ना दुध दे रहे ने अगर उस दे मुताबक फीड मिनरल उन्हू ना मिले तो जानवर जिहड़ा दुध दे अपने अंदर जिहड़ियां भी नेचुरली चीज़ा ने उन्हें तो पूरियां करनियां ही करनियां ने, वह हड्डियां जानवर के हड्डियां विच चूसेगा, ऐड दिया की रिजल्ट आएगा, जानवर थोड़ा बिल्कुल कमज़ोर होना, बॉडी स्कोर जोड़ा उनका वीकनेस होना शुरू हो जाएगा, तो जानवर एक दो सूह खत्म हो जाएगा। इसलिए एज ए स्पोर्टिंग थेरापी जानवरों एक कंबीनेशन बनाया गया, विटामिन किन्ने होने चाहिए ने, विच मिनरल्स किन्ने होने चाहिए ने, ताकि जानवर जोड़ा दुध दे रहा उसू उतनी खुराक उसके मुताबिक जितनी भी उसकी बनती है। अगर मिसाल के तौर पर जानवर 15-20 लीटर दे रहा है, उन्होंने 100 ग्राम मैक्स ग्रो दो, अगर इस तू 20 लीटर तो प्लस जा रहा है तो 5 ग्राम फी लीटर के हिसाब न इजाफी डोज दो। ये जी सर, मैं दोबारा आपका सवाल रिपीट करना, अगर तुम पॉइंट के साथ फार्मर को दसो कि ये नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, ये फिंगर टिप्स तुसी अगर ये फवायद दसो तो साढ़े देखने वाले जरा आसानी होएगी जी। तफसीलन तुसी बहुत अच्छी अच्छा दसिया साढ़े देखने वाले, असं चाहते कि फिंगर टिप्स से साढ़े फार्मर को पता लग जाए कि ये फवायद की। विटामिन ने A D3, जिहड़ा D3 है ना, ये मैटाबोलिक का काम करता जानवर के ऑब्जरवेशन वास्ते, वैसे ही अल्लाह ताला ने नेचर धूप में रखा होया विटामिन डी, लेकिन फिर भी ये जरूरत होंगी, जो जानवर खुराक खाए उसको हजम करने बेहतरीन किरदार होंगे। सलीनियम ई जो होंगे विटामिन ई, ये थोड़ा जहा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वास्ते होंगे, फॉसफोरस जी होंगी है वो जानवर के अंदर जी फॉसफोरस की कमी होंगी उसको पूरा करती है, मैगनीशियम होंगे, सोडियम होंगे, जिंक होंगी है, सलीनियम होंगे जोड़ा जानवर की यूट्रस की ग्रोथ करता, ओविलेशन का किरदार अदा करता, उस तो बाद अदरस जोड़े है ने, कुछ एसड होंगे ने, जो जानवर ड्राई हो जाता ना तो पार्चू रेट के करीब आता है, तो जो पहला मिलक होंगे जिन्होंने आप बोला कहने पंजाबी, उनके 100% कैल्शियम हों, अगर वह सारा चो लिता जाए जानवर उसकी बॉडी के मुताबिक कैल्शियम नहीं मिला उन्होंने डेफिशंसी हो जाएगी। कैल्शियम होंगे ना इसका भी बॉडी अहम किरदार होंगे, जो जानवर पार्चूरेट होंगे वो जो जो पहला दुध होंगे उनके 100% कैल्शियम ही होंगे, अगर वो किसान जोड़ा है ना चो लिता जाए फर्स्ट एड का तरीकाकार कम अज़ कम तीसरा हिस्सा खड़ा रहन दो, बाकी सारा मिलक कर लो, अगर वो किसान सारा ही चौल लेंदा तो जानवर नू मिलक फीवर हो जाएगा, सूतक दा बुखार इनू कहंदे ने, उसकी कमी नू पूरा करन लई मिनरल विच कैल्शियम हुंदे ने, कैल्शियम दिते जांदे ने।
और इस दा बाडी विच अहम किरदार हुंदा। एक तो जानवर जिहड़ा दुध दे रहा हुंदा उहदे च जिहड़ी चीज़ निकल रही हुंदी है खुराक च उहनूं नहीं मिल रही हुंदी मिनरल जिहड़ा उहदी उस मिकदार नूं बाडी लैवल नूं पूरा रखदा। सैकंडली जानवर नूं हशाश बशाश निज़ामे तौलीद नूं बेहतर करदा। फिर स्किन विच बेहतरीन किरदार अदा करदा स्किन नूं जिहड़ा शाइनिंग लियांदा जानवर दी बाडी नूं ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਿਨਰਲ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਮਾਹ ਤਾਂ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਮਾਹ ਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਨਰਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਹਾਂ ਡੇਲੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਹਿਫਰ ਮਤਲਬ 16 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਉਦੋਂ ਡੋਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਵੰਡਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸ ਗਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਲਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲ ਆਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਚਕਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਇਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੰਡਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਆ ਅਗਰ 20 ਲੀਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ 20 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫੀ ਡੋਜ਼ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਸਿਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਰੈੱਡ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਥਰੈਪੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਤ ਮੁਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਮਿਨਰਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।